नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाबिक GTDB की आंतरिक का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि आपका मेरिट लिस्ट इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, मेरिट लिस्ट तो नहीं आता है इसमें, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डायरेक्ट आपके स्टेज 3 के एडमिट कार्ड आते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको सभी कैटेगरी की, जो यानी कि चाहे आप SC हो या ST हो या OBC हो या आप जनरल से या EWS किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो उन सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताऊँगा, कितनी कट ऑफ बगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बात करूंगा। तो देखिए, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा पाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका स्टेज 3 का एडमिट कार्ड है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, बात करूँगा इनकी, देखिएगा इनकी रिपोर्टिंग टाइम, जो आपको फाइनल स्टेज पे आपका जो रिपोर्टिंग करनी होगी आपको INS चिल्का में 28 जुलाई 2022 को करनी होगी सुबह के 6 बजे। देख लीजिएगा टाइमिंग, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक है ना भाई, इसको टाइमिंग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। साथ ही देखिएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पर रिपोर्ट करना, INS चिल्का PO चिल्का डिस्ट्रिक्ट चिल्का यानी कि ओडिशा में आपको ये करना होगा रिपोर्टिंग। ठीक है भाई, बाकी और देखिए यहाँ पे आपका बाकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं एडमिट कार्ड में, आपके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए ये लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको क्या क्या सामान लेके जाने चाहिए वो भी यहाँ पे आपको बता रखे हैं, तो एक बार इनको देख लीजिएगा। या फिर आप लोग कहेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बना दीजिएगा, तो कल आपके लिए इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, सुबह मॉर्निंग टाइम पर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चैनल पर आपको वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं मेनली बात करता हूँ कि देखिए आपको कट ऑफ रिलेटेड, देखिए अगर जो भी कैंडिडेट पास हुए होंगे, शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, तो देखिए उनके लिए इस टाइप से दिखाएगा, कांग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3। ठीक है, अगर आप क्लियर हुए होंगे, अगर आप क्लियर नहीं हुए होंगे, और देखिए जो कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं तो उनका एडमिट कार्ड का भी सेक्शन डाउनलोड करने का आ गया है। तो जो कैंडिडेट ने अपना पास कर लिया है, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा 18 जुलाई को आप अपना, 18 जुलाई ठीक है टाइमिंग डेट देख लीजिएगा, 18 जुलाई को आपका बिलिंगनेस सर्टिफिकेट है, जो कि आप लोग अपना इसको यानी कि फॉर्मेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी फॉरवर्ड कर दिया है, या फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी उसको अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिलअप करके आपको 28 जुलाई तक इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट यानी कि government.NIC इस टाइप से कुछ ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस ईमेल आईडी का। ठीक है ना, वो वीडियो उस ईमेल आईडी पे आपको अपना वो सेंड कर देना है। ठीक है ना भाई, अब देख लीजिएगा, मैं आपको बात करूंगा आपको कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ क्या गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ये कैंडिडेट हैं, देखिए ये EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम नवीन कुमार था, EWS कैटेगरी से हैं ये। बात करना चाहूँगा देखिए इनके मार्क्स के बारे में, तो 75 मार्क्स हैं, यानी कि 75 नंबर इनके आए हैं टोटल। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँगा 75 नंबर में से, आगे बात करूँगा, देखिए PFT इनका क्लियर था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका क्लियर था। साथ ही देखिए जो कट ऑफ के बारे में बात करें, तो 78 यानी कि EWS कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो कितना गया, 78 यानी 78 नंबर आप सभी का कट ऑफ गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ भी और भी यहाँ पे बताया गया, जो कि रीजंस आप लोग देख सकते हैं, इन सभी को देखते हुए यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए 78 नंबर आप सभी का EWS कैटेगरी का कट ऑफ गया है, जो कि केवल इनके 75 मार्क्स थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगला कैंडिडेट की, एक और कैंडिडेट है, देख लीजिएगा एक और कैंडिडेट है जिनके 76 मार्क्स हैं, यानी कि केवल 2 मार्क्स कम है कट ऑफ से, कितना, 2 नंबर कम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी EWS कैटेगरी से ही है। ठीक है ना, ये भी आपका PFT क्लियर था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर था, लेकिन 2 नंबर से ये भी आपके रह गए हैं। तो देख लीजिएगा, बहुत दुख होता है जब इतने 1-2 नंबर से हम रहते हैं, तो अगर ज़्यादा नंबर से रह जाते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन 1-2 नंबर से रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप टेंशन अगर ना लें तो अच्छा रहेगा। देखिए टेंशन तो आप सभी को होती है, लेकिन इसके साथ में आपको गलत कदम उठाने की कोशिश ना करें, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक रिजल्ट आपका डिसाइड नहीं करता है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कहीं भी जॉब ले सकते हो, तो उसके लिए आप देखिए दोबारा से मेहनत करिएगा, फिर से अच्छे से अपना देखिएगा क्या कमी रह गई थी, कोई भी कमी है तो आपके ऐसा स्कोर बनाइएगा जो आपके 90 प्लस कर जाए, जिससे कि आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो इस टाइप से स्कोर अपना बनाइएगा, जिस भी कैटेगरी से हैं अब उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा स्कोर बनाएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ है, देखिए उनका कट ऑफ बता रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिनका हो गया है उनका कांग्रेचुलेशन दिखाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये कांग्रेचुलेशन दिखा रहा है। ठीक है ना, आगे हम बात करना चाहेंगे आगे और कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के बारे में, अब बात करते हैं SC कैटेगरी के बारे में। ठीक है, SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 74 यानी कि 74 नंबर उनकी कट ऑफ गई है, कितनी, SC कैटेगरी की। ठीक है भाई, आगे बात करना चाहेंगे, देखिएगा यानी कि
ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करें तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो 81 नंबर गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 86 यानी 86 नंबर कट ऑफ गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इसी टाइप से आप लोग देख लीजिएगा इतने कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। बाकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ अभी मुझे नहीं पता है, मैंने आपको नाविक जीडी की कट ऑफ बताई है, अभी नाविक यांत्रिक वालों की मुझे कट ऑफ वगैरह पता नहीं चली है। जैसे ही पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करके आप भी बता सकते हैं या फिर आप अपना रिजल्ट टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी princegautam347 वहां पे भी आप लोग अपना रिजल्ट सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है वहां पे पूछ लीजिएगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्या क्या आपको प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या करना होगा कि आपको, सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं। जो कि एक तो वीडियो अभी मिल जाएगा आपको जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड के नाम से होगा, तो अगले एक कल वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लेके जाने हैं, क्या क्या नहीं लेके जाना, सारा कुछ बताऊंगा लेकिन कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए आप सभी उस वीडियो को कल को देख सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बता दिया। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।